अच्छा हुणे तुसीं गल कीती कि बच्चों के उत्ते बोझ बहुत हुंदा, बच्चे कि पढ़ लो नंबर लै लो जी। आपां वैसे भी देखण च आया कि जिहड़े बच्चे नौजवान जिहड़े पढ़ रहे पेरेंट्स भी करते हैं टीचर भी करते हैं कि तुसीं जी वध तों वध नंबर लाओ जी। और किसी जमाने फर्स्ट डिवीजन लैनी बहुत बढ़िया होंदी सी, उदों बच्चा इंटैलीजेंट हुंदा सी। हुण बच्चे 99% नंबर तक ले जाण दा टारगेट उहनां हुंदा, और पूरा माँ प्यो का भी पूरा जोर लग्गिया हुंदा, टीचर का भी जोर लग्गिया हुंदा। ये जो ट्रेंड हैगा ये कितने तक सही हैगा बच्चों नूं? बहुत खतरनाक ट्रेंड है जी, क्योंकि जैसे स्टूडेंट सुइसाइड रेट स्टडी करिए इंडिया के जो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, IIT दी एडमिशन टेस्ट तो बाद यहोजे बहुत केसिस होए कि बच्चा सिलेक्ट नहीं होया, उहदे माँ प्यो उहदा घर परिवार चाहुंदा सी सिलेक्ट होए, वह सिलेक्ट नहीं होया, उहने आत्महत्या कर ली। तुसीं देखो किन्नी गंभीर सरकमस्टांसिस दे विचों हालात चो उहदी सोच कित्थे होएगी कि एक 20-21 साल का नौजवान जिहदी सारी जिंदगी उहदे अगे पई है, एक टेस्ट ना सिलेक्ट होण करके उहने आत्महत्या सिर्फ एडमिशन ली, ते एक किथे दौड़ खत्म होएगी, 100 तक ते खत्म होर किथे तक जावांगे असीं। सो मेरा मनना है कि बदलते युग में बदलती सोच असीं सिर्फ यही ना सोचिए कि आ 2-3 यूनिवर्सिटीज ही है बच्चे ने इतनी पढ़न जाना, या आ 1-2 कोर्सेज ही है जे ये नहीं किया तो बच्चे ने कुछ नहीं किया, क्योंकि अज नूं साडे सामने हजारां एग्जाम्पल आते जिहड़े बच्चों ने हिम्मत करके कोई अलग रस्ता चुनिया ते अज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? साडी आर्थिक जिहड़ी स्थिति सी अज तो 20 साल पहले इन्नी वधिया नहीं सीगी कि इन्नी ऑप्शनस नहीं सी, अज साडी सोच ते निर्भर है। पुरानियां फैक्ट्रियां चलाण लई करोड़ां रुपए की लागत की जरूरत सी, अज दे दिन जे किसी नौजवान ने फैक्ट्री लगानी होए उन्हें एक कंप्यूटर ते एक इंटरनेट कनैक्शन की लोड़ है, जो कि 20-30 हज़ार दे विच उहदा खर्चा है, उहदी फैक्ट्री है, उहदी सोच ते है। जे मार्क ज़करबर्ग जिन्हें फेसबुक बनाई 20-21 साल की उम्र दे विच बिलियनर सीगा, ते उह तां करके बना पाया एक दो गल्लां कि एक उहदी कल्पना सी कि इदां दी चीज़ बन सकती, दो उहनूं सपोर्ट मिली अपनी यूनिवर्सिटी तो अपने उदों, ते तीसरा क्योंकि वह सिर्फ एक डायरेक्शन च नहीं सी पढ़ रहा, कंप्यूटर साइंस दे नाल मार्क ज़करबर्ग दे मेजर दे विच साइकोलॉजी दूजा सब्जेक्ट सी, कंप्यूटर साइंस ते साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़न दे बावजूद उन्हें पता लग्या कि इंसान दीयां साइकोलॉजिकल जरूरतां की ने, बेस ते उन्हें फेसबुक कंपनी बनाई, अज नूं मिलेनियर है। सो साडे जिहड़े युवा पीढ़ी सिर्फ इह ना चाहण कि सानूं नौकरी मिले, वह यह भी सोचण कि असीं दूसरिआं नूं नौकरी किस तरह दे सकदे हां, असीं जॉब क्रिएटर्स किद्दां बन सकदे हां, इह सोच जरूर। जिवें मुकाबले दा अजकल युग है ते होर किहड़ियां किहड़ियां चुनौतियां दा सामना करना पैंदा है नौजवान पीढ़ी नूं? मेरे हिसाब नाल सब तो वड्डी चुनौती एक नौजवान दे अगे है कि अपनी जिंदगी लई सही रस्ता पकड़न लई, जिहदे लई गाइडेंस बहुत घट है, जिहदे विच प्रेशर बहुत ज़्यादा, जिहदे विच एक्सपेक्टेशन समाज दीआं माँ प्यो दीआं अध्यापकां दीआं बहुत ज़्यादा ने। सब तो पहली जिहड़ी जरूरत नौजवान की है कि वह एक अपनी सोच विचार के अपने अंदर छुपे हुए हुनर नूं उहनूं देख के एक इदां दा रस्ता पकड़ सके जिहदे ते उहनूं प्लेटफॉर्म मिले, जिहदे च उहनूं फुलफिलमेंट मिले, क्योंकि असी कामयाबी दी जिहड़ी पुरानी सोच सी, कामयाबी यानी पावर ते पैसा जी, यही सोच सी ना पुरानी कि जिहदे को जिहड़ा कामयाब कौन है, जिहदे को पैसा ते जिहदे को पावर है। पर मेरे हिसाब नाल नवे युग दे विच कामयाबी दी एक होर परिभाषा उह है फुलफिलमेंट, तुसी खुश हो या नहीं, तुसी अंदरों अच्छा महसूस कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये तद ही हो पाएगा जे बच्चे दा अंदर छुपया होया हुनर वह हौली हौली एकदम नहीं हुंदा, क्योंकि जिम्मेवारियां ने होर मजबूरियां ने, इंसान एकदम उस रस्ते ते नहीं पहुंच सकता, पर साडी युवा पीढ़ी इस चीज़ की आस ना छड्डे, आशावादी बनन। मेरा सोचना नैगेटिविटी बहुत वध गई है, जिन्ना भी यंगस्टर्स नूं मिलदा मेरे हिसाब नाल सारियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स दा एक ही हल है कि बाहर जाना, कि इस मुल्क में कुछ हो नहीं सकता, यह नैगेटिव सोच बनती जा रही है। पर मेरा यह भी सोचना, मैं युवा पीढ़ी में यह मैसेज देना चाहता कि जे आप सैकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं इस टाइम, इंडिया इज़ द सैकेंड मोस्ट पॉपुलस, सब तो ज़्यादा जी जनगणना वो भारत की है, थर्ड या फोर्थ ग्रोथ रेट है, जे साडे को ओपरचुनिटीज़ मौके इस कंट्री विच नहीं तो मैं नहीं मानता कि किसी होर होणगे इस पॉइंट ते। अज तो 30 साल पहले यूरोप च ज़्यादा सीगे शायद, हुण ग्रोथ इत्थे है, पर उन्हां मौक्यां नूं पकड़न दे लई साडे युवा नूं अग्गे पहुंचण छोटी सोच अपनी बहुत वधिया, और दर्शक भी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत खुशी की गल है जी, मेरा मनना है, मेरी आशा यह है कि होर बहुत नौजवान ने जिन्हों की सोच बहुत गहरी है, जिन्हों के विचार बहुत अलग ने, तो जो जिंदगी बहुत कुछ करना चाहते बनना चाहते हैं, पर जो असं बीज भी लगाने उन्होंने भी सही इनवायरमेंट चाहिए है, सही उन्होंने सिचुएशन चाहिए ताकि वह अगे वधे। इदा ही साढ़े नौजवान पीढ़ी इस कंट्री या अपने मुल्क टैलेंट की कमी नहीं है,
इन्ने टैलेंटेड इन्ने हार्डवर्किंग बच्चे इत्थे हैगे आ जे जरूरत है तो सही गाइडेंस की जे जरूरत है तो हल्लाशेरी की जे जरूरत है तो असी असफलता नाकामयाबी का डर हटाना बाकी कल्चर्स नाल जदों असी अपने आप नूं कंपेयर करते हैं असफलता का जिहड़ा डर है फीयर ऑफ फेलियर ये बहुत ज़्यादा असि समझते हैं किसी तरीके नाल जबकि स्पोर्ट्स परसन को सीखना चाहिए स्पोर्ट्स भी घट गए स्पोर्ट्स परसन को सीखना चाहिए कि डिग डिग के इंसान जिहड़ा फिर तोड़दा है उर्दू के एक शायर ने लिखा कि समुंदर में फना होना समुंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है समुंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है मुझे दुख तो उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं तो साढ़े युवा पीढ़ी ने यह सीखना है कि किनारे पे दम नहीं तोड़ना समुंदर के जाके पूरी हल्लाशेरी ना अपना पूरा जोर लगा अगे देखने के की बनता है।